नाउ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, देखिएगा टुडे दिस क्वेश्चन हैज योर थ्री टर्म्स, ट्राइनोमियल है, देखिए वन इज रूट सिक्स, एनदर इज रूट फाइव एंड द थर्ड वन इज रूट इलेवन। देखिए ट्राइनोमियल तो सॉल्यूशन जब आपका करेंगे तो वन अपॉन देखो रूट सिक्स प्लस रूट फाइव और माइनस वन, इसमें दो का ग्रुप बना देते, फर्स्ट टू का बनाइए या लास्ट टू का बनाइए आपकी मर्जी, या इसको बीच में लिख लीजिएगा कोई भी कुछ भी, लेकिन ऐसा जैसा क्वेश्चन दिया है हम वैसा ही करेंगे। रूट इलेवन है सर, ये रूट इलेवन, ये रूट फाइव, ये रूट सिक्स है, तो फर्स्ट टू का ही बना दीजिए। अब आप करें एक छोटा सा इसका, इन सवालों को करें रूट सिक्स का इफ यू आर डूइंग स्क्वायर तो कितना होगा सिक्स, इफ यू आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ रूट फाइव तो कितना होगा कंप्लीट फाइव, और रूट इलेवन का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सिक्स और फाइव प्लस के, देखो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस सिक्स और प्लस फाइव कितना हो गया प्लस इलेवन, और ये आपका क्या माइनस, तो माइनस इलेवन का प्लस। ये इसकी एक आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं आपका स्क्वायर करके, देखिए क्लियर मीन्स कहीं ना कहीं इलेवन हो जाएगा कट जाएगा, कोई भी सवाल होगा ऐसे आप इसको चेक कर लीजिएगा, यू प्लीज चेक। नाउ इट इज डिपेंड अपॉन यू, आइदर यू आर कीपिंग द टू 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 फर्स्ट इन लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस एंड लीविंग इट अलोन, या दो लास्ट के आप रख दीजिएगा और इसको आप अलग छोड़ दीजिएगा, आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए आपका क्या है योर लॉजिक मस्ट बी क्लियर, यू हैव टू गो बॉटम ऑफ एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आपको बॉटम में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने सॉल्यूशन ये लिखा एज इट इज, आई हैव राइट डाउन दिस, मैंने क्या किया फर्स्ट टू को मैंने देखो आपका ब्रैकेट में रखा और इसको रूट इलेवन को अलग से लिख दिया। अब ये यहाँ पे एक कंप्लीट माना जाएगा, ये इसको कंप्लीट ए माना जाएगा, के लिए आप समझ रहे तो ना, बाकी वो आपने देखी नहीं रेशनलाइजिंग है डिनोमिनेटर। ये वन अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, ये ब्रैकेट को अभी बिल्कुल मत खोलिएगा, यू हैव नॉट टू ओपन द ब्रैकेट लेफ्ट राइट, इसका ऑल्टरनेट सिर्फ यू हैव द परमिशन फॉर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द ऑल्टरनेट कंजुगेट ऑफ दिस ओनली यू कैन चेंज। रूट सिक्स प्लस रूट फाइव ये पूरी एक वैल्यू मानी जाए इस बाइनोमियल को, एंड ये सिर्फ आप इसको चेंज करें, क्लियर हो गया। अब देखो इन डिनोमिनेटर अगर नीचे डी आर लिखोगे तो डॉक्टर हो जाएगा, इसलिए ऊपर डिनोमिनेटर ऐसे में, क्लियर। इसमें देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आईडी लगाना चालू कर दिया मैंने, ए वह ए की वैल्यू देखो यहाँ पर रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, इसको कंप्लीट ए पढ़ेंगे, ये बी इसको कंप्लीट ए पढ़ेंगे, मैं आपको तो ए और बी की वैल्यू देखो रूट इलेवन, तो ये रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन बन जा, ये तो आप इसका ब्रैकेट भी हटा दो क्योंकि प्लस का है या माइनस का कोई दिक्कत नहीं, श्योर ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर ए, दिस इज ए का स्क्वायर, am I right? माइनस दिस बी के स्क्वायर, श्योर क्लियर तो ना हो। अब फिर अंदर आईडी के अंदर आईडी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, वेयर यहाँ पे ए की वैल्यू अब रूट सिक्स और बी की वैल्यू रूट फाइव, ए प्लस बी का पहले वो तो वैसे रहेगा, वो तो खुल जाएगा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, अभी आप देखिए ओपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस, इसको भी एक साथ खोलेंगे।
आप चाहे तो रूट इलेवन का स्क्वायर इलेवन लिख सकते हैं, नो डाउट रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन, रूट सिक्स का कंप्लीट स्क्वायर सिक्स प्लस टू, ये दोनों साइड है, सिक्स फाइव जा थर्टी, तो ये आपका ये अब आपका क्या बन गया मिक्सअप मिक्सअप एड्रेस के लिए ना फाइव का रूट फाइव का स्क्वायर कंप्लीट फाइव, ठीक है जी क्लियर। ओ माइनस इलेवन था आपने बोला नहीं, और इलेवन का स्क्वायर रूट इलेवन का स्क्वायर इलेवन श्योर क्लियर। अब आपका रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन प्लस का सिक्स और प्लस का फाइव इलेवन, इज इट क्लियर सर। नाउ टू रूट थर्टी, ठीक है पुत्री क्लियर, सिक्स फाइव प्लस सिक्स प्लस फाइव इलेवन और ये माइनस प्लस इलेवन और माइनस इलेवन कैंसिल, ठीक है तो ना रूट सिक्स ये देखो ये आपका क्या मिक्स फ्रैक्शन क्लियर। अभी रूट हटा नहीं आप सॉल्व कर रहे हैं, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर, तो सर का मतलब रूट हटना चाहिए डिनोमिनेटर से। अब आप करें अगेन अगेन रेस्लाइडिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि रूट थर्टी को आपने हटाना है, तो रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन ओवर, ये देखो ये रूट थर्टी तो है, अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिमूव द रूट, इसका मतलब रूट थर्टी ये मोनोमियल पढ़ा जाएगा, तो मोनोमियल में सिर्फ जो रूट के अंदर रहेगा उससे आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे रेशनलाइजिंग कर देंगे। अभी देखो इसके साथ चलेगा दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस दिस दिस, तो देखो सिक्स इंटू थर्टी प्लस ये फाइव के साथ फाइव इंटू थर्टी प्लस इलेवन इंटू थर्टी, क्लियर हो गया ना फाइव टू इंटू रूट थर्टी रूट थर्टी कंप्लीट थर्टी रूट थर्टी रूट थर्टी कंप्लीट, क्लियर हो गया क्योंकि थर्टी थर्टी का मतलब क्या नाइन हंड्रेड और नाइन हंड्रेड का स्क्वायर रूट क्या होगा थर्टी श्योर। चलो अब फैक्टर कर दीजिए इसे सिक्स, तो ये वाला है सिक्स फाइव जा थर्टी यस फाइव ये फाइव थर्टी फाइव सिक्स और ये इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इलेवन थर्टी जा थ्री थर्टी, इसका अगर आप फैक्टर भी करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो डेसिमल में निकलेगा क्योंकि सॉड है जी। इलेवन इंटू मल्टीप्लाई करके रख दीजिए क्या जाता है, देखो सिक्स सिक्स का पेयर बना स्क्वायर रूट से बाहर सिक्स रूट फाइव प्लस फाइव फाइव का पेयर बना बाहर, इसका कोई पेयर नहीं अनपेयर कोई पेयर शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, अभी मिक्सर मिक्सर और आपका देखो ये प्योर सर बना और ये आपने बताया नहीं तो ये तो रेशनलाइज हो गया तो थर्टी टू थर्टी था क्लियर। यहां तक भी आंसर बिल्कुल सही हंड्रेड एंड वन परसेंट, लेकिन अगर मैं किसी बच्चे का अगर आप देखना चाहूंगा कि उस बच्चे का कैलिबर क्या है तो मैं आपका हमेशा देखूंगा कि आपका राउंड है दस हजार, थ्री थर्टी किसके नजदीक आता पता टू फिफ्टी से तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट करीब होता, और वैसे टू एटी नाइन का मतलब सेवनटीन का स्क्वायर और थ्री ट्वेंटी फोर एटीन का स्क्वायर एटीन के लगभग लगभग नजदीक है ये आपका समझ रहे बारह उससे नहीं लेना। अब इसको एक सही सीक्वेंस में लेना, देखो ये पहले फाइव रूट सिक्स क्लियर हो गया ना, फिर इसके बाद ये सिक्स रूट फाइव आएगा और देखो प्लस फिर आपका थ्री थर्टी ओवर नाउ सिक्सटी, ये आपका एक्चुअल में एक अच्छे बच्चे से जो आंसर माना जाएगा ये माना। अब यहां पे द प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम में देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये यहां पे कोई आपको somebody can say you that आपका नाम, हमने तो अभी आपको जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा ही नहीं, हमने तो आपको आईडीज पढ़ा ही नहीं, आपने कैसे यूज कर दिया उसके लिए जवाब है ये देखिए
दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल। तो हम एक बार हॉरिजॉन्टल मेथड से आपको करके दिखा रहा हूं। हर चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि अभी आपकी बिगिनिंग है, आप फ्रेश बैच में, कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन देना है सामने वाले को, जो कॉपी भी चेक करे ना उसको भी पता लगने लह। इसलिए टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूँ आपके, आप चिंता नहीं करें। फर्स्ट ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड ट्राइनोमियल प्लस द सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड ट्राइनोमियल और प्लस और फिर अगेन माइनस प्लस का द थर्ड टर्म ऑफ फर्स्ट ट्राइनोमियल देखिए मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड अपर ट्राइनोमियल root 6 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 root 6
प्लस का, सॉरी माइनस प्लस का माइनस हो गया, 6 प्लस 5 11, प्लस का माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 1√30, 1√30 क्या है, 2। कोई कहता है मैंने तेरे को हॉरिजॉन्टल मेथड पढ़ाया नहीं था, वर्टिकल मेथड पढ़ाया था, तो भाई तू कुछ भी कर, आंसर तो यही लाना है मुझे। थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रेंथ अपने दिमाग की बनानी पड़ेगी बस, और ये प्रैक्टिस हो जाए। √6 कंप्लीट 6, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, रूट प्लस का थर्टी, ठीक हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो रूट का 66, ठीक है जी। अब देखो इसका काम फिनिश हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब देखो इसका काम √5 √6 √30 √5 √5 कंप्लीट 5, ठीक है जी। और रूट माइनस 55 यहाँ पे लिखते बीच में जब आए, दिस वाज मल्टीप्लाई विद दिस दिस एंड दिस, ये आपके दिमाग सामने आ गया। रूट 30 के नीचे रूट 30 लिखा जाएगा, रूट 60 के नीचे रूट 66 ही लिखा जाएगा, चाहे वो प्लस या माइनस में। वर्टिकल मेथड में थोड़ा सा मजा आता है, वो आपको पूरे नॉर्म सिखाता है। अगर 5 अभी 11 6 रूट 66 ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये भी रूट 66 है, ठीक है। अब 11 5 जा रूट 5 इधर, ये इसके प्लस के रूट 55 आ जाए, देख रहे आप, ठीक है। और ये फिर प्लस माइनस का माइनस, √11 प्लस का √66 माइनस का √66 कैंसिल, प्लस का √55 माइनस का √5 कैंसिल, ये 6 प्लस 1√30 1√30 देखो ये आपका प्लस अरे माइनस का 6 प्लस 5 इज 11 देखो प्लस 2√30 एंड आपका देखो माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल। आईडी यूज करके भी हमने वही किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड से भी आपने वही किया, आपकी मर्जी, बट योर लॉजिक मस्ट बी वेरी मच क्लियर, क्लियर, प्लीज डू इट।